मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर, क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर और टॉपिक है हमारा यूज ऑफ ए और एन। ए एन का हमें प्रयोग करना है तो हम कैसे करते हैं, इससे पूर्व हमने आपको बताया था कि वोवेल हमारे पांच होते हैं, ए ई आई ओ यू, और शेष अक्षर जो है हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होती है और वोवेल की संख्या 5 होती है। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए ए और एन का प्रयोग। तो हम ए का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे। और तो देखिए प्यारे भैया बहनों, ध्यान से सुनिए और समझिए, और वीडियो को जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपके समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए वीडियो का देखना बड़ा ही अनिवार्य है। ए का प्रयोग, ए का प्रयोग, यदि यदि किसी संज्ञा और संज्ञा को कहते हैं हम नाउन, का पहला अक्षर व्यंजन जिसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, कॉन्सोनेंट हो तो हम उससे पहले एक की अंग्रेजी, एक की अंग्रेजी ए लगाते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, जैसे बुक है, अब हमें बताना है एक बुक, तो इसका जो बुक में पहला अक्षर हमारा बी है, बी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट होने के लिए यदि हम कहें कि एक किताब, तो इससे पहले हम ए लगाएंगे, एक पुस्तक। इसी प्रकार आपके ए डॉग, एक कुत्ता, ए कैट, एक बिल्ली। तो प्यारे भैया बहनों, इससे पूर्व हमने ए लगाया है एक के लिए, क्योंकि यहाँ बी कॉन्सोनेंट है, ऐसे ही डॉग में डी बी कॉन्सोनेंट है और इसमें सी भी कॉन्सोनेंट है। तो मैं समझता हूँ ए का प्रयोग आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं एन का प्रयोग। तो प्यारे भैया बहनों देखिए, एन का प्रयोग हम कैसे करते हैं, किन शब्दों में करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए एन का प्रयोग, यदि किसी नाउन या किसी संज्ञा, संज्ञा को नाउन कहते हैं, का पहला अक्षर
वो विल हु वो विल हु तब हम एक की अंग्रेजी के लिए एन का प्रयोग करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे एक सेब है, लिखना है एक सेब, इसकी अंग्रेजी बनेगी एन एप्पल। क्यों? क्योंकि एप्पल में ए हमारा वोविल है और वोविल हमारे पांच होते हैं, हमने बताया था ए ए ई आई ओ और यू, ये पांच वोविल होते हैं। इसी प्रकार हम दूसरा ले रहे हैं, एक हाथी एन एलिफेंट ई एल ई पी एच ए एन टी जी, एक अम्ब्रेला एक छाता, एक छाता, तो हम क्या लिखेंगे एन अम्ब्रेला। जी, और एक दबात, जैसे मान लीजिए हमने दिया है एक दबात, तो क्या लिखेंगे एन इंकपॉट। तो आपने देखा कि हमने पहले ए का प्रयोग बताया कि ए का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, अब आपको बताया है कि एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। आपने देखा एप्पल में ए वोविल है, इसी प्रकार एलिफेंट में आपका ई वोविल है, और एक छाता दिया हुआ है, अम्ब्रेला में पहला अक्षर आपका यू है, और इसी प्रकार आपके दबात में इंकपोर्ट में पहला अक्षर आई है। तो यदि एक की अंग्रेजी दी हुई है तो इनसे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, और एन की स्पेलिंग है ए एन, एन नहीं ए एन। तो प्यारे भैया बहनों, अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस चीज़ को भली भांति समझ लें, इसके प्रयोग को, और इसका बार बार अभ्यास करें। अभ्यास करने से ही ज्ञान प्राप्त होता है। प्यारे भैया बहनों, नमस्कार।